उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जिन पुलिस वालों का वीडियो यूपी पुलिस की फजीहत का कारण बना है, अगर उन पुलिस वालों के हत्थे कोई अपराधी चढ़ जाए या कोई मुकदमा ही हो जाए तो सोचिए कि इनकी हालत क्या होगी। पुलिस वालों की एफिशिएंसी की बात कहकर समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पुलिस वाले दक्ष हैं, इसलिए सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पा रही है, लेकिन हमारे पुलिस वालों की दक्षता देखिए, एक बंदूक में गोली नहीं भर पा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस पर खाकी हूं की कविता लिखी गई थी, सोचिए कि उसकी हालत क्या हो गई है। अब इनके लिए मैं खाकी हूं कविता का नया वर्जन बनाना पड़ेगा। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में डीआईजी आरके भारद्वाज एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। थाने का नाम खलीलाबाद था, जहां पुलिस वालों को यह कहा गया कि वो आधुनिक हथियारों को चलाकर दिखाएं। डीआईजी ने यहां पर आरक्षियों से लेकर दरोगाओं तक के हाथ में हथियार थमा दिए और ये कहा कि इन्हें लोड किया जाए। लेकिन इन दरोगा जी को देखिए, शायद अकबर के दरबार में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली हो, या हो सकता है कि मुगल कालीन भारत के किसी हथियार को चलाना जानते हो, इस कारण से बंदूक में जो गोली भरी वो उसके मुंह से भरी। पुलिस वालों ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस विभाग अपने साथी का बचाव करने आया है और ये कहा है कि हथियार चलाना नहीं जानते थे, नई बंदूक को देखकर लगा कि इसमें गोली नहीं पैलेट भरा जाना है और इस कारण मुंह से ही गोली अंदर डाल दी। थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत दिनांक 27 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती रेंज महोदय का एक निरीक्षण था। इसी क्रम में महोदय द्वारा आरक्षियों और उप निरीक्षक गण द्वारा वेपन्स को कैसे हैंडल किया जाता है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी में एक उप निरीक्षक द्वारा आगे से मतलब फ्रंट लोडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये जो एंटी राइट गन है वो 303 को काट करके बनाई गई है, जिसमें फ्रंट लोडिंग और बजल लोडिंग दोनों चीज़ें होती हैं। उप निरीक्षक द्वारा जो कारतूस थे उसको पैलेट समझकर फ्रंट लोडिंग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इसमें प्रसाद निरीक्षक को भी निर्देशित किया गया है कि समय समय पर सभी को पुलिस लाइन में आर्मोरर के द्वारा ट्रेनिंग कराएं और इनको लगातार वेपन्स के बारे में जानकारी दें, उसकी हैंडलिंग कैसे होती है और जिससे कहीं कोई समस्या ना आए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत का ये पहला मामला नहीं है। मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालने वाली पुलिस एक बार फिर से फेल हुई है। ये वही पुलिस है जिस पर हिरासत में मौत के आरोप लगे हैं, वही पुलिस जिसके ऊपर कई जिलों में हत्या के मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। यूपी पुलिस की हालत क्या हो गई है, इसे सोचना होगा। हम देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में रहते हैं, ऐसे राज्य में जहां पर 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, अब अगर उसकी पुलिस हथियार में गोली भरना भी ना जाने तो सोचिए कि लोगों की सुरक्षा किसके हवाले है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।